हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने चिकी को अपने पीसी के अंदर कैसे चला सकते हो, किस तरीके से चला सकते हो। बाकी मैं आप लोग को बता दूं भाई, ये लो एंड पीसी के लिए भी चिकी लॉन्च हो चुका है। मतलब आप लोग को इससे अपना कितना भी लो एंड पीसी हो, आप लोग किस तरीके से इसे चलाओगे, मैं आज आप लोग को वही बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग अपनी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों के पास जो भी आप लोगों के पास ब्राउजर है, अगर आप लोग क्रोम यूज़ करते हो या फिर कोई भी अलग से, मतलब अगर माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र यूज़ करते हो तो उसे ओपन कर लेना है। ये किसी भी ब्राउज़र के अंदर चल जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है चिकी फॉर पीसी। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो भाई, चिकी प्ले पीसी गेम्स एनी टाइम एंड एनी वेयर। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को इस तरीके से इंटरफेस नहीं आएगा। यहाँ पर आप लोगों को लॉग इन करना पड़ेगा, और अगर गाइस आप लोग इसे फ़ोन के अंदर खोलोगे, कहीं आप लोग सोचो कि हम इसे फ़ोन के अंदर ओपन करके देखें, तो भाई इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को प्ले स्टोर पर आके कहेगा कि डाउनलोड करके वहाँ पर खेलो। और अगर यहाँ पर अगर आप लोग पीसी के अंदर खोलते तो यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट गेम लाइब्रेरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देख सकते हो भाई कई सारे गेम्स हैं, और यहाँ पर देख सकते हो भाई मेरे अकाउंट के अंदर अभी थोड़े कम कॉइन्स हैं, मतलब 114 कॉइन्स हैं बस, ज़्यादा नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं प्ले टाइम थोड़ा कम कर सकता हूँ। और यहाँ पर गाइस इसके अंदर गाइस यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो भी आप लोग का अकाउंट आईडी वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पर आप लोग को शो करेगी। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को सारी की सारी गेम्स आप लोग को देखने को मिल जाएगी जो भी पीसी के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर GTA 5 और GTA 5 ऑनलाइन है। यहाँ पर गाइस आप लोग को मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग को जो GTA 5 ऑनलाइन भाई प्ले करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर GTA 5 ऑनलाइन चिकी के अंदर परचेस कर रखी है, लेकिन गाइस यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो गाइस वो क्यों नहीं आ रहा है वो ना जाने, अभी मेरे ख्याल से भाई चिकी वालों ने किसी भी गेम का ऑनलाइन वर्जन अभी तक नहीं डाला है, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा होगा। बाकी यहां पर अगर मैं आप लोग को बताऊं तो भाई इसके अंदर आप लोग किसी भी गेम का मतलब ऑनलाइन वर्जन नहीं देखने को मिलेगा। इन फ्यूचर हो सकता है कि मिल जाए। तो यहां पर गाइस मैं फिलहाल के लिए तो अभी आप लोग को थोड़ा सा इसका गेम प्ले डेमो दिखा देता हूं कि इसके अंदर ना आप लोग अगर क्लाउड गेमिंग करते हो तो भाई कैसा चलता है। तो भाई यहाँ पर देखो भाई, अभी तो यहाँ पर 200 की क्यू है। अब गाइज मैं इसको क्लियर करने के बाद मिलता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमारी गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं गाइज इसको फटाफट से स्टार्ट कर लेता हूँ, और ये गाइज स्टोरी मोड है, तो ना जाने पता नहीं इसके अंदर क्या क्या होगा। मतलब जो नॉर्मली जो आप लोग स्टोरी मोड कम्प्लीट करते हो वही आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी मैं यहाँ पर फटाफट से इस गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ और आप लोग को गेम के अंदर मिलता हूँ। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पर जो हमारी गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी मैं यहाँ पर ट्रैवर कैरेक्टर के साथ हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो भाई, जो हमारी गेम है वो तो अभी स्मूथ चल रही है फिलहाल के लिए। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो एमिंग वगैरह है वो सब भाई मैं अभी माउस और कीबोर्ड से कर रहा हूँ, मैं आप लोग को हैंड कैम नहीं दिखा सकता। अब बाकी गाइस पता नहीं इसके अंदर एम पता नहीं क्यों फंस रहा है, मतलब अचानक से, मतलब ज़्यादा ही पतला 360 रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। बाकी यहाँ पर गाइस यहाँ पर अगर भगने भगने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लेटेंसी में तो कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर डिले मतलब बताऊँ आप लोग को, तो यहाँ पर लगभग चिकी में जैसे कि 0.5 सेकंड्स का है, तो गाइस पीसी के अंदर आप लोग को 1 सेकंड का डिले देखने को मिल रहा है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा होता है एक तरीके से। थोड़ा आप लोग को यहाँ पे पता नहीं पीसी के अंदर डिले थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से गाइस अभी जो है चिकी भाई अभी लॉन्च हुआ है पीसी के लिए, तो गाइस इसीलिए शायद से थोड़ा बहुत मतलब इसके अंदर ग्लिचेस आप लोग को थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर गाइस आप लोग को मैं बता दूँ तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्लिच है कि भाई 360 हम लोग अभी इसको नहीं घुमा पाते हैं। और गाइस मैं आप लोग को बता दूँ कि भाई पीसी के अंदर पता नहीं कंट्रोलर काम क्यों नहीं कर रहा है GTA 5 के अंदर, वो मुझे नहीं पता। मैंने कंट्रोलर से ट्राई किया लेकिन गाइस ये कंट्रोलर से काम नहीं कर रहा कि खेलने में ईजी हो। बाकी यहाँ पर गाइस आप लोग को मैं बता दूँ, और गाइस मैं आप लोग को एक मेन इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि गाइस अगर आप लोग अपने पीसी जो अकाउंट आप लोग अपने फोन के अंदर यूज करोगे उसी अकाउंट को आप लोग अपने पीसी के अंदर भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लोग को पीसी के लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा और फोन के लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग मतलब अपने पीसी के अंदर एक अलग जो अकाउंट आप लोग अपने फ़ोन के अंदर लॉगिन करोगे उसी सेम उसी अकाउंट को आप लोग अपने पीसी के अंदर भी लॉगिन कर सकते हो। मतलब जो अकाउंट जो कॉइन्स आप लोगों के फ़ोन वाले अकाउंट के अंदर हैं उन्हीं कॉइन्स से आप लोग अपने पीसी के अंदर प्ले कर सकते हो। तो मतलब आप लोग को भाई ऐसा नहीं है कि भाई पीसी के लिए अलग से आप लोग को ऐड देखना पड़ेगा पीसी बैठ के, नहीं। तो गाइस आप लोग इसको अपने फ़ोन के अंदर ऐड देख सकते हो, कॉइन अर्न कर सकते हो और अपने पीसी के अंदर प्ले कर सकते हो। तो बस गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं भी आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।